गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल राज फूड लवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर यह जो पौधा है, यह है गोभी का, जो हमारे ऑर्गेनिक फार्म में हमने उगाया है। आप देख सकते हैं, आज मैं आपको अपने ब्रेकफास्ट शेड्यूल में इसका परांठा बताऊंगा कि आप अपने घरों में गोभी का परांठा कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपी होगी गोभी के परांठे की दोस्तों, लेकिन आप मेरी रेसिपी को भी ट्राई करना और अपने घर में ज़रूर इसको बनाना। आपको मैं दिखाता हूँ, ये है वो फूल, इसको मैं निकालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं घर गोभी को तोड़ के खेत से, और अब आपको मैं बताऊंगा कि गोभी के परांठे कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रहा हूं आज गोभी के परांठे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, खेत से मैं गोभी तोड़ के ले आया हूं। अब आप देख सकते हैं, गोभी के परांठे बनाने के लिए सिंपली थोड़ा सा प्याज लिया है, हरा धनिया भी वहाँ से तोड़ के ले आते हैं, और आटे के पेड़े मैंने बना लिए थे, और रिफाइंड ऑयल और नमक स्वादानुसार मैं इसमें ऐड करूंगा, और अजवाइन मैं इसमें डालूंगा दोस्तों। आप और भी कुछ अगर डालना, आपने जीरा वगैरह तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करूंगा। मैं सिंपल पराठा बनाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले गोभी को बढ़िया से इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से इसको कद्दूकस करें बढ़िया से। सो फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसको बढ़िया से कद्दूकस कर लिया। अब इसका मैं पानी निकालने जा रहा हूँ दोस्तों। इसको बढ़िया से पानी निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपके परांठे फटेंगे और परांठे बढ़िया से नहीं बनेंगे। इसको बढ़िया से पहले पानी निकालना होता है इसका। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैंने इसका बढ़िया से इसका जो भी इसके अंदर पानी था उसको निचोड़ लिया है बढ़िया से। अब इसमें मैं प्याज डालूंगा, मिर्च को इस तरह से मिर्च में क्रश करूंगा, क्योंकि मेरे पास मिर्च, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास हरी मिर्च है नहीं, तो मैं साबुत मिर्च ही डाल रहा हूँ। इसको बढ़िया से क्रश करके मिर्च का बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा इसमें, बिल्कुल देसी हिमाचली स्टाइल से बना रहा हूँ। अजवाइन, नमक इसमें बिल्कुल हल्का ऐड करूँगा, धनिया काट लूंगा बिल्कुल पतला पतला, और इसमें धनिया ऐड करूंगा। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, परांठे का पत्ता तैयार है। अब इसमें मैं स्टफिंग करूंगा बढ़िया से। आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसको पैक करेंगे। आप देख सकते हैं, इसको फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको बढ़िया से बेलेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, पराठा हमने बेल लिया बढ़िया से। इसको मैं दोस्तों, अब मैं इसमें बढ़िया से ऑयल लगाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं, हमारा जबरदस्त शानदार गोभी का पराठा, जायकेदार। इस तरह से दोस्तों, इसकी जो साइड होती है उसको ऐसे पकाना होता है, हल्के हल्के दबा के।
देख सकते हैं बिल्कुल बराबर पक चुका है परौठा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं परांठा हमारा तैयार है। हम इसको टेस्ट कर लेता हूँ। मैं अचार ज़्यादा नहीं खाता दोस्तों, बहुत रेयर खाता हूँ, लेकिन परांठे के साथ खा रहा हूँ। सुपर से ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, नज़दीक से आप अगर देखेंगे इसकी स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। कोने कोने में सारा जितना भी गोभी, कोने कोने में गोभी और मसाला पहुंचा हुआ दोस्तों। सो इस तरह से अपने घरों में गोभी का परांठा बनाएं, बिल्कुल सिंपल सादा। और अगर गोभी हो सके तो अपने घर की यूज़ करें, बाहर मार्केट में आपको पता ही आजकल हाल लॉकडाउन की वजह से। तो मैक्सिमम ये जो सब्जी थी मैंने घर में ही उगाई थी, तो मैं कहा इसका आज परांठा बनाते हैं और आप लोगों के लिए मैंने इसकी रेसिपी बताई। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।